हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन अब कुछ एडवांस क्वेश्चन आ गए हैं हमारे क्लास इलेवंथ के स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है विच पास थ्रू द ओरिजन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड बी ध्यान से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है उसने हमने लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है कौन सी लाइन की विच पास थ्रू िजन जो कि ओरिजन से पास होती है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड बी और जो उस लाइन का मिड पॉइंट है ना वो इन दोनों लाइन को दोनों पॉइंट्स को क्या करता है ज्वाइन करता है ध्यान से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है ये हमारी एक्स एक्सीज है यह मान लिया वाई एक्सीज है क्लियर है इसके ऊपर दो पॉइंट है एक तो पी है जीरो कोमा माइनस फोर तो यहाँ पे आ जाएगा ये जीरो कोमा माइनस फोर ये आ गया जीरो कोमा माइनस फोर क्योंकि एक्स एक्सीज की वैल्यू क्या होगी जीरो वाई एक्सीज पे ये माइनस फोर बिलो द लाइन आ गया फिर दे रखा है एट कोमा जीरो तो ये आ जाएगा मेरा ऊपर ये बी पॉइंट हो गया एट कोमा जीरो और ये कहाँ से पास हो रहा है हमारा ओरिजन से ओरिजन के पॉइंट क्या होते हैं जीरो कोमा जीरो क्लियर है अब हमें क्या करना है पी और बी के मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इनके मिड पॉइंट से लाइन क्या हो रही है पास तो हमें इसके मिड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है तो यहां पे क्या करेंगे हमें मिड पॉइंट ऑफ पी जीरो कोमा माइनस फोर एंड B एट कोमा जीरो क्या होंगे ये मान लिया क्या है एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू ये वाई टू ऐसे ही तो पॉइंट है अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है हमारा इंट्रोडक्शन के मैं, अंदर मैंने बताया हुआ आपको मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है कैसे एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यही तो तरीका होता है चलो भाई निकालो एक्स वन की वैल्यू क्या है जीरो एक्स टू की वैल्यू है एट बाई टू कोमा वाई वन की वैल्यू क्या है माइनस फोर वाई टू की वैल्यू है जीरो बाई टू तो देखो क्या आगे हमारे पॉइंट्स एट बाई टू एट प्लस जीरो एट एट बाई टू करेंगे फोर माइनस फोर प्लस जीरो है तो माइनस फोर में जीरो ऐड की माइनस फोर माइनस फोर को टू से डिवाइड किया तो माइनस का टू ये आ गए हमारे मिड पॉइंट क्लियर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो दिक्कत होगी नहीं बिल्कुल भी अब यहां पर देखो मिड पॉइंट आ गए हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ पी बी जो है वो क्या है फोर कोमा माइनस टू क्लियर इसके और किसके साथ ओरिजन से पास होने वाली लाइन की हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है और पॉइंट ऑफ ओरिजन क्या होते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजन या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजन क्या होते हैं जीरो कोमा जीरो इन दोनों पॉइंट्स की हमने क्या करनी है स्लो फाइंड आउट करनी है बस ये क्वेश्चन है अब ये क्या बन जाएगा हमारा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है वही चीज ध्यान से समझनी है बस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है अब स्लो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन निकाल लो भाई वाई टू की वैल्यू क्या है जीरो माइनस ऑफ वाई वन की वैल्यू क्या है माइनस टू अपोन में एक्स टू की वैल्यू क्या है जीरो माइनस ऑफ फोर तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का टू अपोन में माइनस का फोर टू वन जा टू 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 जा फोर तो क्या आ गया एम इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू दिस इज द स्लोप ऑफ ए लाइन बस यही फाइंड आउट करनी थी हमें दिस इज द आंसर क्लियर है क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देता हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो क्या गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन एक लाइन की स्लोप निकालनी है विच पास थ्रू ओरिजन जो कि ओरिजन से पास होती है पहली कंडीशन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एक तो ओरिजन से पास होती है वो लाइन और एक इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होती है उस लाइन की हमने स्लोप निकालनी है ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स तो जीरो जीरो हो गए अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमने स्लोप निकालनी थी बस आ गई स्लोप अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कोई भी डाउट नहीं होगा अब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स